तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं द सायरन। तो फ्रेंड्स, ये सायरन कमाल का साउंड है। और जब फ्रेंड्स मैंने ये साउंड सीखा था तो मुझे लगा कि फ्रेंड्स कमाल ही हो गया, क्योंकि फ्रेंड्स बिल्कुल ओरिजिनल सायरन की तरह आवाज़ करता है। और मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को भी आवाज़ सुनाई और फ्रेंड्स उनको तो बहुत ही पसंद आई, क्योंकि फ्रेंड्स वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। और जब मैंने ये साउंड पहली बार देखा कि कोई कर रहा है, तो मुझे लगा कि फ्रेंड्स ये बहुत ही शायद डिफ़िकल्ट होगा। और मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, उसके बाद फ्रेंड्स मुझे लगा कि नहीं, उतना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है और इसे अच्छी तरीके से मैं प्रैक्टिस करके सीख लिया। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ कि किस तरीके से कर सकते हैं हम ये साउंड सायरन। तो फ्रेंड्स ये जो साउंड है, इसको आपको करने के लिए सबसे पहले करना ये है कि आपको अपने लिप्स और टीथ दोनों को आपस में कांटेक्ट कराना है। जैसे कि फ्रेंड्स आपके नीचे जो लोअर लिप्स हैं उसमें आपके ऊपर के टीथ को रखना है ऐसे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से रखने के बाद जो है आपको करना ये है कि आपको अपनी फॉल्सेटो वॉइस, फ्रेंड्स नॉर्मल वॉइस ये है, अब फॉल्सेटो वॉइस कैसे होती है ये कुछ इस तरीके से होती है। तो फ्रेंड्स ये है मेरी फॉल्सेटो वॉइस। फ्रेंड्स ये फॉल्सेटो वॉइस बिल्कुल यहाँ से आती है। फ्रेंड्स ये जो फॉल्सेटो वॉइस है, जो बहुत ही पतली आवाज़ होती है, वो यहाँ से आती है इस तरीके से। देखिए फॉल्सेटो वॉइस, फॉल्सेटो वॉइस, देखिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो फॉल्सेटो वॉइस है बिल्कुल यहाँ से आती है, यानी कि एकदम गले के ऊपरी हिस्से से। ये जो बहुत ही पतली और शिल आवाज़ होती है, इसमें एक वाइब्रेशन होता है फ्रेंड्स, और उस वाइब्रेशन को बढ़ा के टीथ और लिप्स के बीच में आपको ऑसिलेशंस क्रिएट करनी है, जिससे कि फ्रेंड्स इस तरीके की आवाज़ जो है बनती है। तो फ्रेंड्स लिप्स के ऊपर टीथ रखनी है और फॉल्सेटो वॉइस करने के बाद आपको हवा के साथ में आवाज निकालनी है, वो भी वू वू की। और अपने हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कुछ दूसरा वर्ड भी ले सकते हैं। जैसे कि आप सायरन करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप अपने फॉल्सेटो वॉइस को एडजस्ट कीजिए। अलग अलग तरीके से आप इसको कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर फ्रेंड्स चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड्स बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तक के लिए शेयर करते रहिए।